वैसे भाई ये सवाल है तल्ला नवीद भाई का। वो कहते हैं कि आज के दौर में बहुत से लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, इन पर आप इतना क्यों सोचते और गौर करते हैं? जैसे ख्वाब भी हों, यानी ये तो अजीब सी बात है कि आप आजकल के दौर में इन पर इतना यकीन करके चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलहा नवीद, अच्छी बात की आपने। लेकिन ये देखें, हमारे लिए तो कोई भी चीज़ जवाज़ नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे लिए दलील नहीं है, जब तक कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसके बारे में गाइड ना किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि सच्चा ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, 46th पार्ट। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफहूम है कि जब नबुव्वत और उसकी निशानियों में से कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह जाएगी, तो उस वक्त सिर्फ मुबशरात बाकी रह जाएंगी। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुबशरात से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सच्चा ख्वाब जो कोई देखे या कोई उसके बारे में देखे, औ कमा कौल, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, यानी कि जो वही है उससे हम बहुत दूर दूर हो चुके हैं, 1500 साल गुजर चुके हैं। अब अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई रहनुमाई का ज़रिया बाकी है तो वो सच्चा ख्वाब है। इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत नहीं धार सकता, औ कमा कौल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस किसी ने ख्वाब में देखा, दरअसल वो एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एटलीस्ट उसके लिए। तो आज के दौर में आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, और ये बहुत सारे लोगों को सच्चे ख्वाब आना ही क़यामत की निशानियों में से एक है, क्योंकि हम नबुव्वत से बहुत दूर चले गए हैं, अब मुबशरात के ज़रिए से रहनुमाई मिल रही है। तो ये सच्चे ख्वाब, ये कोई शरई दलील इसके अंदर नहीं आ सकती, कोई शरई हुक्म इसके अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मुबशरात का वर्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज़ किया कि खुशखबरियाँ, थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है, नहीं है, कोई फ्यूचर में क्या होने वाला है, कोई अगर किसी का प्यारा इस दुनिया से चला गया है तो उस वो पता नहीं किस हाल में है, मेरा क्या बनेगा। मुख्तलिफ इंसानों को गम और गम होते हैं, परेशानी होती है, टेंशन होती है, तो जब वो अल्लाह ताला से अपने गम परेशानी बयान करते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख्वाब की सूरत में कोई मुबशरात, कोई तसल्ली, कोई खुशखबरी मिल जाती है। तो यही मामला है। लेकिन इस हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है सच्चे ख्वाबों का, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो इमाम महदी होंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से होंगे। तो साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युसलिहुल्लाहु फ़ी लैला, वो इमाम महदी वो होंगे कि जिनकी अल्लाह ताला एक रात में इसलाह फरमा देगा। अब आप मुझे ये बताएं कि नबुवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना, किसी रसूल ने नहीं आना, लेकिन इमामुल महदी वो होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए कि वो ज़मीन को यमलाउल अर्ज़ा अदला व किस्ता कमा मुलियात जुल्मा व जौरा औ कमा कौल, के वो ज़मीन को अदल व इंसाफ़ से ऐसे भर देगा जैसे वो जुल्म और जोर और नाइंसाफ़ी से भर चुकी होगी। यानी कि आज के दौर में आप देखें, जुल्म, सितम, फितने, फ़िरकावारियत हर चीज़ है, मुसलमान सारे एक एक छतरी तले जमा हो जाएंगे, एक झंडे चलते जमा हो जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से एक शरीयत नाफिज हो जाएगी, कोई फ़िरकावारियत नहीं रहेगी। ये सब कैसे होगा जब वही भी नहीं आ रही अल्लाह ताला की तरफ से? तो फिर हमें हदीस और कुरान और शरीयत को ढूंढना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा, फलोरना पड़ेगा कि वो कौन सी अथेंटिक चीज़ है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला आज भी अपने बंदों की रहनुमाई करता है और करता रहेगा। तो हमें शरीयत से ये बात पता चलती है कि वो चीज़ सिर्फ सच्चे ख्वाब ही हो सकते हैं। लिहाजा जो कोई भी इमामुल महदी होंगे उनको भी अल्लाह ताला जो भी रहनुमाई फरमाएगा, कलाम फरमाएगा, गाइडेंस देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, वो वही नहीं आ सकती, फरिश्ता नहीं आएगा, वही लेकर फरिश्ता नहीं आएगा, वो भी ख्वाब के ज़रिए ही गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे। इसलिए ख्वाबों की बहुत अहमियत है और इसीलिए हम उनको अहमियत देते भी हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें
हक के ऊपर कायम फरमाए, बातिल से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ुबिका मिनल फितनतिल मसीहिद्दज्जाल।